हाफिज बाबा नगर ये ब्लॉक में एक चार मंजिला स्कूल की बिल्डिंग का संगे बुनियाद आज रखा गया और मैं ये समझता हूँ कि आज मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की जो ज़रूरत है वो ये है कि जो तालीम का फुकदान हमारी सफ़ों में है उसको दूर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला ने अकबरुद्दीन ओवैसी को ये मौका दिया और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है उनके लिए कि वो इस तरह के 5 स्कूल पूरे पुराने शहर में चला रहे हैं अपने ज़ाती सरफे से और उसमें कई हज़ार मुसलमान बच्चे और बच्चियां मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपने सफ़ों से तालीम की पसमानदगी को दूर नहीं करेंगे ना हमसे इंसाफ किया जाएगा ना हम अपने दीन को समझ पाएंगे और जब हम अपने दीन को समझ नहीं पाएंगे तो उस पर अमल भी नहीं कर सकते। और जब तक हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे हम पार्लिमानी जमहूरियत में जो हमारे हकूक है उन हकूक को भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम पूरी कोशिश करें कि इन स्कूलों में अपने बच्चे और ख़ास तौर से अपनी बेटियों को स्कूल में एडमिशन दिलाएं। और माशरे की बुराइयां आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन खवातीन पर जुल्म किया जा रहा है। एक छोटी बच्ची 5 साल से लेकर एक ज़ईफ 60-65 साल की औरत को भी ये दो टांग का मर्द एक जानवर की तरह उनको अपनी हवस का शिकार बना रहा है। इसलिए बेहद ज़रूरी है मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाई ये वक्त का अहम तकाजा है कि हम अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाएं ख़ास तौर से अपनी बेटियों को। आप इनको इल्म के जेवर से आरास्ता कर दें ये मजबूत ताकतवर हो जाएंगी। ये ज़माने के हर चैलेंजेस का ये बच्चियां मुकाबला कर पाएंगी। ये आज हमारी मसफ़ों में जो जहेज की इतनी बड़ी लानत है शादियां करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर हम इनको तालीम याफ्ता बनाएंगे तो ये खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो चैलेंजेस आएंगे उसका मुकाबला कर सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के स्कूल जो कायम किए जा रहे हैं आप इससे फ़ायदा उठाएं। और मैं तो मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को भी जो अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं ख़ास तौर से यहाँ पर हाफिज बाबा नगर ये ब्लॉक के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार वो जो रुकने बल्दिया हैं इन तमाम की ज़ाहिर इज्तिमाई कोशिश है कि इस तरह के इदारे कायम किए जाएं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यकीनन जब ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी और इसका आगाज़ इंशाअल्लाह ताला आइंदा तालीमी साल से किया जाएगा तो यकीनन हाफिज़ बाबा नगर और अतराफ व अकनाफ के जितने गरीब हमारे इलाके हैं वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ आकर स्कूल में एडमिशन लेंगे और तालीम को हासिल करेंगे।